हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद हर्षित। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड स्ट्रेटजी। एक अच्छी स्ट्रेटजी की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ये हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड स्ट्रेटजी। नंबर वन आती है हमारी क्लियरिटी। आपकी जो है जो भी स्ट्रेटजी है वो क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद आता है फोकस। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी अलाइनमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, कम्पिटिटिव एडवांटेज क्या रहेगा, एक्शनेबल, एविडेंस बेस्ड और रिस्क मैनेजमेंट। इन सभी पॉइंट के बारे में हम डिटेल में जानते हैं। ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक अच्छी स्ट्रेटजी की। क्लियरिटी, क्लियर ऑब्जेक्टिव। आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। द स्ट्रेटजी शुड हैव वेल डिफाइंड स्पेसिफिक एंड मेजरेबल गोल। आपकी जो है स्पेसिफिक और मेजरेबल गोल होने चाहिए। एवरीवन इन्वॉल्व्ड होना चाहिए जिससे कि वो समझ सकें। सिंपल कम्युनिकेशन। स्ट्रेटजी शुड बी कम्युनिकेटेड क्लियरली एंड कंसाइसली सो दैट ऑल स्टेक होल्डर कैन ग्रैप इट एसेंस एंड इम्पोर्टेंस। कम्युनिकेशन अच्छा होगा, बेटर होगा तो हमारी जो है क्लियरली सब जने समझ जाएंगे कि क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है, क्या हमारी स्ट्रेटजी का मेन मोटिव है, और जो है सबके आसानी से समझ में आएगा। तो हमारा सिंपल कम्युनिकेशन होना चाहिए, समझ में जब ही आएगा। तो हमारा क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, साथ ही साथ सिंपल कम्युनिकेशन होना चाहिए। फोकस, प्रायोरिटाइजेशन। ए गुड स्ट्रेटजी फोकस ऑन द मोस्ट क्रिटिकल एरिया। एक अच्छी स्ट्रेटजी का जो फोकस होता है मोस्ट क्रिटिकल एरियाज पर होता है। डायरेक्टिंग रिसोर्सेज एंड एफर्ट्स वेयर दे विल हैव द मोस्ट सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। ये अवॉइड करते हैं स्प्रेडिंग रिसोर्सेज टू थिन। सेलेक्टिव एक्शन। इट आइडेंटिफाइज ए फ्यू की एक्शन दैट विल ड्राइव द मोस्ट वैल्यू रेदर देन ट्राइंग टू डू एवरीथिंग एट वंस। फोकस होना चाहिए, प्रायोरिटाइज करना चाहिए आपको। एक अच्छी स्ट्रेटजी का जो है फोकस होता है इम्पोर्टेंट थिंग्स पर, अलग अलग डाइवर्ट नहीं होता है, चार पांच जगह डिवाइड नहीं होता है। सेलेक्टिव फोकस होता है, सेलेक्टिव एक्शन होते हैं, इसी की वजह से जो है स्ट्रेटजी सक्सेस होती है। अलाइनमेंट, कंसिस्टेंसी विद गोल्स। द स्ट्रेटजी शुड अलाइन विद द ब्रॉडर मिशन, विजन एंड वैल्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए गोल के साथ में। इट शुड सपोर्ट लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। जो हमारा कंसिस्टेंसी है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। क्रॉस फंक्शनल इंटीग्रेशन। इट शुड बी अलाइंड अक्रॉस वेरियस डिपार्टमेंट और एरिया। अलाइंड होना चाहिए वेरियस डिपार्टमेंट और एरिया में। इंश्योर करें कि दैट ऑल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वर्क टुगेदर। जो हमारे पूरा ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है वो एक साथ काम करें जिससे कि हम जो है सेम ऑब्जेक्टिव को जल्द से जल्द अचीव कर सकें। फ्लेक्सिबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी इज ए गुड स्ट्रेटजी अलाउ फॉर एडजस्टमेंट। फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। हमारा जो प्लान है अगर उसमें कोई नेसेसरी हमें चेंज करने की ज़रूरत है तो हम उसको कर सकें। एज पर द टाइम रिक्वायरमेंट, न्यू इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर या अनएक्सपेक्टेड कोई चैलेंज आ गया इस कंडीशन में हम जो है कुछ चेंजेस कर सकें। ये फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। सस्टेनेबिलिटी, लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव। द स्ट्रेटजी शुड बी सस्टेनेबल ओवर टाइम। जो स्ट्रेटजी है वो हमारी सस्टेनेबल होनी चाहिए ओवर टाइम। इंश्योर करें कि दैट इट डज नॉट रिलाई ऑन शॉर्ट टर्म फिक्सेस और अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस जो कि लेट करें किसी भी तरीके की प्रॉब्लम बाद में। रिसोर्स एफिशिएंसी। आप जो है रिसोर्स का जो है एफिशिएंसी इफेक्टिवली यूज करें। इट शुड efficiently use available resources, time, money, personal, without exhausting them. Ensure करें कि that the strategy can be maintained in the long run. जिससे कि हमारी strategy है जो plan है वो लंबे समय तक चलता रहे किसी भी तरीके की problem आए बिना। Competitive advantage, uniqueness होनी चाहिए। एक अच्छी strategy जो है leverage करती है unique स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्रिएट करना एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और साथ ही साथ स्ट्रेटजी जो है डिफरेंशिएट करती है फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स। वैल्यू क्रिएशन, फोकस करना ऑन क्रिएट करने पे वैल्यूज कस्टमर के लिए, स्टेक होल्डर्स के लिए और बेंच
बेनिफिशियर्स के लिए सेट करना ऑर्गेनाइजेशन अपार्ट फ्रॉम इट्स रिवाइवर। आप जो है वैल्यू क्रिएट करेंगे कि किसी भी कस्टमर को इस प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट ए की रिक्वायरमेंट है और हमने प्रोडक्ट ए हमने क्रिएट कर दिया, तो जो कस्टमर है वो हमारे कंपनी का प्रोडक्ट परचेज करेगा, हमने उसको वैल्यू क्रिएट करा है, उसकी जो रिक्वायरमेंट थी वो हमने फुलफ़िल करी है। तो इस तरीके से हमारा ध्यान होना चाहिए कि हम किस तरीके से किसी भी पर्सन की लाइफ में वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं और उसके आसान करेंगे काम को, तो वो उस प्रोडक्ट को ज़रूर परचेज करेगा। जैसे कि मोबाइल फ़ोन है तो ये भी वैल्यू क्रिएशन हुआ, पहले लैंडलाइन होते थे तो उसमें आप जो है पोर्टेबिलिटी का पोर्टेबल नहीं होते थे कि आपने कहीं एक जगह रख दिया तो वहीं पे आपको बात करनी होगी। अब मोबाइल कहाँ है, आप कहीं भी बात कर सकते हैं मोबाइल से, तो ये जो है वैल्यू क्रिएशन हुआ कस्टमर का ध्यान में रखते हुए कि कस्टमर आसानी से जो है अपना काम कर सके, तो लोगों ने मोबाइल को ज़्यादा प्रेफर करा। इसी तरीके से वैल्यू क्रिएशन एक्शनेबल प्रैक्टिकल स्टेप्स, स्ट्रेटेजी शुड इंक्लूड क्लियर एक्शनेबल स्टेप दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड। स्ट्रेटेजी में जो है इंक्लूड होने चाहिए क्लियर एक्शनेबल स्टेप जो कि इम्प्लीमेंट करे जा सकें। इट मूव्स बियॉन्ड एब्स्ट्रैक्ट आइडिया टू कंक्रीट एक्शन। रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क अवेयरनेस जो है एक गुड स्ट्रेटेजी है, आइडेंटिफाई करती है पोटेंशियल रिस्क को और चैलेंजेस को, और इसमें इंक्लूड होता है प्लान्स किस तरीके से हम जो आइडेंटिफाई करे गए हैं रिस्क में उनसे हम किस तरीके से निपट सकते हैं, उनको से ओवरकम आ सकते हैं। तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड स्ट्रेटजी। तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी को समझ में आया होगा। इसी तरह की और यूजफुल वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हर्ष सब्सक्राइब करें एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।